जो अपनी पर्सनल चटनी थी ना वो काफी अच्छी है, काफी स्पाइसी है भाई। 44 ईयर सिंगल बना दो, सिंगल से भी सिंगल, सिंगल से मुझे बस टेस्ट करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद होगी बड़े अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं आया हूँ घोरा फूड स्टूडियो में, काफी मशहूर स्टूडियो है। यहाँ पर पड़ते हैं लाइट हाउस और इस साइड में पड़ता है आइए चंडीगढ़ का बैक साइड। और यहाँ पर काफी मजेदार खाने होते हैं बोरियों के, और इनकी कलेजी खास तौर पर मैं खाने आया हूँ, बकरे की कलेजी। अब नाम दिया है और बकरे की फोटो भी लगाई हुई है, पता नहीं बकरे की होती है। भाई बोल रहे हाँ भाई वाकई बकरे की है, नहीं है बाकी में भाई कोई भी बकरा हो बकरे की कलेजी तो फिर अच्छी होती है। खैर मोहसिन भाई भी साथ है, मोहसिन भाई खाई कभी बकरे की कलेजी, सुना आपने? तो मेरे साथ हारिस भाई भी है और हम लोग चेक करेंगे कि बकरे की कलेजी मिल भी रही है नहीं यहाँ पर। और काफी अच्छी अच्छी मतलब खाना है यहाँ पर, और ईद कार्ड वगैरह भी मिलने का भी बचपन में हम लोग बांटते थे, तो ये भाई के पास भी ईद कार्ड काफी सारे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हो? ये काफी सारे माशाल्लाह ईद कार्ड भी है, और ईद कार्ड तो नहीं खैर इससे पैसे देते लिफाफे, और ईद कार्ड ये रहे जो हम लोग ध्यान है जो हम लोग इधर बचपन में देते थे। हारिस उन्होंने दिया कभी किसी को, किसको दिया? तो यहाँ पर इनकी शॉप है लाइट हाउस में, काफी अच्छे अच्छे लिफाफे, और मेरे को खास रूप से जबरदस्त लगा यार, इस गड्डी ले घूम सकते हैं। ये कितने का भाई? ये 200 रुपए का भाई, सारे सही है 200 रुपए में। कितने? 50 कार्ड है इसमें भाई 200 रुपए में यार, सब यही प्राइस है? अलग अलग प्राइस है भाई, माशाल्लाह काफी सारे कार्ड्स हैं। बोरा स्टूडियो बिल्कुल इनके सामने लाइन लगी हुई कार्ड्स की। तो अभी कुछ खाते, भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, तो भाई यहाँ मिलती है बकरी की कलेजी, और अब इनसे पूछते हैं कि बकरी की कलेजी है नहीं। क्या है भाई, मेरे से कितने का बर्गर है? 200 रुपए एक प्लेट में ले तो अलग से 200 रुपए, वो भी 200 रुपए का। बाकी बकरे की है ना भाई? भाई बकरा ही है, बाकी बकरा है। एक बन लगाओ यार मेरे को। टोकन कहाँ से ले? किधर से? भाई सामने से टोकन लेते थे, टोकन मिल चुका है, आ जाओ। खुशबू काफी अच्छी आ रही है लीजिए, तो ये सिर्फ रमजान में ही होते हैं। तो भाई ये बकरे की कलेजी वाला बन कबाब आ गया है, और अब इसको टेस्ट करते हैं। पूरे बन में इन्होंने मसाला मिक्स कर दिया है, और अभी फ्राई करते हैं। यार क्या जबरदस्त जायका मसाले का, और वाकई बकरी की कलेजी है भाई, बहुत जबरदस्त। तो भाई कैसी लगी आपको कलेजी? अच्छी है, जबरदस्त है। मसाला कैसा बकरी की? वो मसाले भी सिकंदरी से अच्छी नहीं यार, वही की मैंने उसके साथ उसका इसका मसाला अच्छा है, तो बकरे की तो फिर अलग ही बात है। हां मिर्च नहीं है इसमें, हां नहीं स्पाइसी है, लेकिन बकरे की तो बात ही अलग है। हां मोहसिन भाई क्या कहते हो, मजा आया? वीआईपी यार, वो वाली के लिए अच्छी है, ये वाली ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी थी, वो अपनी जगह है, अपनी जगह। मिर्चे कम है, मिर्चे भी कम है, वैसे बकरे की भी है ना, बकरे की। हारिस भाई नहीं खा रहे आज, हारिस भाई कह रहे कि मेरा रोजा है, क़यामत का सार हारिस नहीं खा रहा भाई। तो अभी दूसरी चीज ट्राई करते हैं, ये तो खा लिया काफी अच्छा था।
में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कलेजी हम लोगों ने खा ली है और अभी लगनी है मिर्ची थोड़ी सी, अभी हम लोग खाए मालपुरा खाने है। मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, भाई लोग खाएंगे मालपुरा। और ये दुकान काफी पुरानी है और काफी मतलब ना मैं खुद बचपन से देख रहा हूँ इस दुकान को, तो काफी अच्छी दुकान है। और अभी इसका ट्राई करते हैं, कभी खाया नहीं है लेकिन काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। अभी ट्राई करते हैं गुलाब जामुन और मालपुरा दोनों। आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सब? ठीक है आपको? वैसे कितना टाइम हो गया सर? 44 ईयर। माशाल्लाह हमारा ऑफिस पीछे ही है तो अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कितने का मालपुरा? ये पूरा जो है 1 किलो का तो 400 रुपए का है। ताजा एक पाव 200 रुपए। और गुलाब जामुन? गुलाब जामुन 250 रुपए का पाव। गुलाब जामुन 250 रुपए। नहीं नहीं आरिश भाई को दो बेटा, आत्मा बहुत जबरदस्त है, ना ज्यादा मीठा है ना ज्यादा फीका है, बड़ा जबरदस्त। तो ये गर्मा गर्म मालपुरा आ चुका है और अब इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, मलाई हमने नहीं ली क्योंकि वैसे ही मीठा होता है, मलाई के साथ थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ये बेहतर है मालपुरा। मालपुरा भी काफी अच्छा है यार, और ये सालों साल यहाँ पर जब भी आप आओगे ये आपको मिलेगा यहाँ पर पूरा स्ट्रीट में। ये मालपुरा खाते हुए कैसा है भाई? हाँ भाई कैसा है? कैसा है? अच्छा। गर्मा गर्म है। आपको कैसा लगा? माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा मालपुरा। ये देखिए अभी भी खा रहा हूँ, मलाई से ज्यादा मीठा है जो से। ये जरा आप भी चेक करें, ये बोतल गिलेगी बैक साइड के ऊपर इनकी शॉप है यखनी वालों की और चाय के होटल पे। ये अपना जहाँ पे शादी कार्ड बनते हैं उस जगह पे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई ये मालपुरा बन रहा है माशाल्लाह अच्छा। अब भाई से इंटरव्यू कर। हाँ भाई मालपुरा अच्छा है, पाकिस्तान चौक के बराबर में है। इंजील ड्राइवर से आगे है बोरी का है। अरे इधर बोरी का देखो, बोरी का कोट है। मालपुरा वाकई जबरदस्त वीआईपी। तो भाई हम लोग मालपुरा खा रहे थे और ये सामने मुझे आलू वाले भाई दिखे और आलू दिखने में इतने मजेदार लग रहे मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ गया। तो किसने के दिए भाई आलू? 150 250 सिंगल 150 डबल 250। क्या देखिए हमें ना सब चीजें खानी है। Okay. मुझे सिंगल बना दो, सिंगल से भी सिंगल, सिंगल से मुझे बस टेस्ट करना है। ठीक है, आपका नाम? अली असगर। अली असगर आपका यहीं होते हो पूरे साल? नहीं रमजानों में। वैसे हमारा फिश का काम। अच्छा फिश का काम, मतलब सिर्फ रमजान में होते हो। आलू दिखने में वैसे मैं शौकीन हूँ आलू का, दिखने में काफी अच्छे लग रहे। ये प्योर इमली की चटनी है, ये धनिया पुदीने की चटनी डाली है, ये हमारा आलू का स्पेशल मसाला होता है, ये देखे तेल में बनता है। ये आपका अपना पर्सनल है? जी पर्सनल मसाला आलू का। हालांकि आज इतनी बहन ने बनाया था आलू सारे खा के आ गया। इंशाल्लाह ये खाएं और फिर आप बता दो। नहीं मसाला दिखने में अच्छे लग रहा है, ये आलू की शक्ल है मसाला और मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। ये ऊपर से पापड़ी की टॉपिंग आ गई। थैंक यू। वही खट्टे आलू आ चुके और काफी दिखने में मजेदार लग रहे, अब इसको टेस्ट कर दे फिर भाई को बता दे कैसे। तो भाई ये बेहतरीन किस्म के आलू आ गए और काफी अच्छे तरीके से बनाया भाई ने यार, अब इसको टेस्ट कर दे। बिस्मिल्लाह। बड़े जबरदस्त है यार, इनकी जो अपनी पर्सनल चटनी थी ना वो काफी अच्छी है, काफी स्पाइसी है भाई।
बड़े मजे के, बस मजा आ गया यार। कितने हो गए? थैंक यू। ये हमारा होममेड आइटम है, बनाना चाहिए ये चीज। तो भाई ये आलू खाते खाते भाई ने कहा है कि हमारे खुद के होममेड चिप्स से बनाना चिप्स, जो कच्चे केले के चिप्स होते हैं वो है। तो ये हमारे साथ भाई, क्या नाम है सर आपका? हुसैन। हुसैन भाई हमारे साथ है। और ये किस तरह बनाते हैं आप? ये कच्चे केले को छील के उसको फ्राई किया जाता है। अच्छा, जैसे आलू के चिप्स होते वैसे ही बनाना चिप्स, बहुत हेल्दी फूड से बनाना चिप्स। ट्राई के लिए ये ब्लैक पेपर के साथ है, चिकन फ्लेवर में, और ये चटपटा फ्लेवर है, दो फ्लेवर में है। नाइस यार, माशाल्लाह। तो ये कौन सा मसाला? चटपटा फ्लेवर। चटपटा फ्लेवर बनाएंगे भी जल्द यार। मोहम्मद देख जाएगा ना? तो भाई दोनों बड़े अच्छे और काफी टेस्टी है। मैं तो जिंदगी में पहली दफा खा रहा हूं बनाना, कच्चे बनाना की चिप्स। ये चिकन है, ये मसाला है। चटपटा कितने का है? 200 का पैकेट होता है ये। 200 का? ये जी सेम पैकेट। तो भाई ये भी 200 का, ये भी 200 का। तो एक ये लेते भाई से यार, काफी अच्छा है मसाला। ये ज्यादा मसाले वाला लग रहा है ना? मैं बस ये सादा मसाला ही है सर। आप ले लीजिए। चल एक ये मुझे दे दे। तो भाई जिसको भी लेना हो ऐसे ये का नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर लिखा, ऑर्डर भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं भाई। ये मेरा कार्ड है। ये सिर्फ रमजान में यहाँ पे अवेलेबल होता है, इनका कार्ड है भाई, ये सिर्फ रमजान में अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। और बाकी आप नंबर पे इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, काफी अच्छी चिप्स है। मेरे तो अपनी एक थैली दी है भाई ने, मुझे ऐसे पैसे ले नहीं रहे थे और मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह खाते हैं हम लोग। ऑर्डर देना होते थैंक यू सो मच। मैं मौजूद हूँ पोटेटो बाइट्स पे और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, अभी आपसे मिला दूँ। बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने यहाँ पर लगाया है बुरे भोरा स्ट्रीट पे, और इन्होंने यहाँ पर लगाया है भोरा स्ट्रीट पे। और इनके पास प्लेन फ्राइज भी और सिंगल फ्राइज भी है। सिंगल फ्राइज में पहली दफा खाऊंगा और मैं आपसे इनसे मिलाता हूँ। अरे भाई ये मेरे बचपन के दोस्त है, काफी बार मुलाकात हुई माशाल्लाह यहाँ पर, और काफी अच्छा सेटअप है इनका। इनके पास प्लेन फ्राइज भी है और सिंगल फ्राइज भी है। अभी हमने प्लेन फ्राइज तो खाते रहते हैं, अभी खाएंगे हम लोग सिंगल फ्राइज। तो बनाने स्टार्ट कर दिया ये भी होगा नहीं? इंशाल्लाह। अभी बन रहे, जैसे ही बन जाते हैं फिर आपको बताते। भाई ये आ गए हमारे पास सिंगल फ्राइज, और दिखने में तो काफी अच्छे लग रहे। और इसको ट्रेस करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ऐसे ही खाते हैं, डंडी से नहीं खाते। गर्मा गर्म, और इसमें इन्होंने केचप डाला हुआ है और अपनी एक सॉस डाली है। सिंगल की जो कोटिंग होती है ना, उससे थोड़ा सा ना डिफरेंट फ्लेवर हो गया इसका, और काफी अच्छे लग रहे यार माशाल्लाह। क्रिस्पी फील हो रहा है। और इसको बनाने के लिए पहले तो भाई इसको हाफ फ्राई करते हैं, इसके बाद फिर ना इसको, जैसे जिंगर की कोटिंग होती है, इसके बाद जिंगर की कोटिंग इस पर की जाती है। तो काफ़ी मुश्किल है बनाना भाई ये। और एक फ्राइज आप देखो इतना मोटा हो जाता है बनके। अच्छा यार, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। हाइट है, भी है, भी है। जिंगर का मजा आ रहा है। हाँ मौसम भाई बेहतरीन है यार, बहुत अच्छा है यार, जिंगर का मजा आ रहा है इसमें। हारिस भाई क्या रिस्पांस हो गया? वीआईपी है यार, मेरा यहाँ पे आने के बाद कुछ खाने का दिल नहीं था, लेकिन जब से मैंने खाया है ना, मेरा मुंह का टेस्ट बहुत वीआईपी हो गया। यही फ्राइज, जिंगर फ्राइज वीआईपी है यार, आप भी आए और लाजमी ट्राई करें। हमने वहाँ की कलेजी खा ली, और यहाँ भी एक बड़े मशहूर बकरी की कलेजी यहाँ भी बेचते हैं, और इनके पास भी काफी माशाल्लाह से अच्छी कलेजी ही नजर आ रही है। तो अभी वहाँ की हमने खा ली है, अभी यहाँ की तो नहीं खा सकते, पेट फुल हो गया, काफी चीजें खा ली है, उसको भी आना होगा ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो अभी आगे चलते हैं और आगे चीजें देखते हैं क्या क्या मिलती है। चलो प्रोमो कोड
तो भाई स्वीट कॉर्न मेरे को नजर आया बैक साइड पे, तो मैंने बोला यार ट्राई करूँ क्योंकि अक्सर ये मॉल्स में मिलते हैं और ये काफी मक्के की तरह होता है। तो अभी इसको टेस्ट करेंगे हम, पहली दफा खा रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। यार जबरदस्त टेस्ट है और मसाला काफी अच्छा है इसका और काफी स्मूथ और बिल्कुल मुलायम हुई भी है इसकी मकई। मकई बोलो कौन है कौन, जबरदस्त यार। आज जो मसाले जो है ना इसके वो काफी अच्छे लगे। इंडियन डिश है ये तो आम आलू है ना, ये वही नॉर्मल पापड़ी है वो नहीं है भाई। आज सबके पास है ये पापड़ी है गुड़ वाली पापड़ी है और ये आलू के पास खट्टे। अभी हमने पहले अभी देखा वरना हमने इतनी सारी चीजें खा ली, तो ये भी काफी अच्छी और डिफरेंट चीज लग रही है भाई। अच्छा ये बन गई है। अच्छा कितने की है कितने की? अच्छा 100। ये बेसिकली इंडियन डिश है और उसको इस तरह बनाते हैं। तो भाई ये कुछ एक अलग डिफरेंट चीज थी और गुड़ वाले पापड़ थे इसके, जो भी तरह ट्राई जरूर करें। हमने तो बहुत कुछ खाया, पेट बहुत फुल हो गया, इस वजह से ये खा नहीं सकते। अभी निकलते आगे भी देखते क्या सीन। अभी पीते सोडा, ये तो चाशम भी तो होना है। तो भाई ये बिम्टो हमने लिया लास्ट और पेट काफी फुल हो गया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे। भाई काफी अच्छी फूड स्ट्रीट है, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, काफी मजा आया मेरे को, काफी अच्छे खाने थे यहाँ पर साफ सुथरे। आज सुबह मुझे ये एक नई चीज लगी, बनाना चिप्स, कच्चे आलू के जो कच्चे बनाने के जो चिप्स थे काफी मजेदार थे और काफी अच्छे थे। यहाँ पर आया तो आप जरूर लें, मुझे काफी अच्छे लगे और आलू भी अच्छे थे। आज सुबह हम लोग आए थे कलीजी खाने, बकरी की कलीजी, वाकई में वो भी बहुत अच्छी थी और काफी सारी चीजें खाई, पेट फुल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी ना करें, और भाई को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यार जैसे का डायलॉग है मैं जो मार रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।